शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोज्जनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं। नमस्कार, कैसे है? कुछ केस वगैरह है आपकी? ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक ग्रंथ वाचन उपक्रम को लेकर यहाँ पर इस सत्र की प्रस्तुति कर रहे हैं, इस सत्र में हम लोग अलग अलग जो भी कुछ आयुर्वेद के मान्यवरों की जो एक प्रख्यात वैद्य है इनकी किताबों को हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। इस ग्रंथ में, इस श्रृंखला में पहला ग्रंथ हमने चुना है अस्त्र विस्तृति, जो रक्त मोक्षण के आधार पर है। तो इसके हमने तीन अध्याय हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन तीन अध्यायों में ज्यादातर जो था तो आचार्य गोप्टे जी ने यहाँ पर इस तीनों अध्याय में, उन्होंने पहले अध्याय में तो अनुभव बताए थे, फिर कुछ केस डिस्कशन किया था, तो टोटल अभी तक उन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही इसको इन तीन अध्याय में वर्णन किया था। अभी चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। इसमें उन्होंने रक्त मोक्षण के बारे में विस्तृत रूप से बताया है कि रक्त मोक्षण की आवश्यकता क्या है, रक्त मोक्षण क्या है इसके बारे में इसमें बताया। तो इस जो भी यहाँ पर बताया गया है इसी क्रम से मैं इसको पढ़ रही हूँ, इसको मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ, विश्लेषित करने का प्रयास कर रही हूँ। आचार्य बताते हैं रक्त मोक्षण यह एक खास उपचार है। आयुर्वेद शास्त्र में इसका ज्यादा उपयोग किया नहीं जाता है, किंतु यहाँ पर जो भी इनका अनुभव है इस पुस्तक के रूप में उन्होंने इस अनुभव को बताया है कि किस प्रकार से रक्त मोक्षण से उन्होंने काफी रोगों को ठीक किया, किस प्रकार से पेन हो या जो भी सद्य चिकित्सा अत्यधिक चिकित्सा के रूप में जो भी रुग्ण उनके पास आते थे इनको इन्होंने किस प्रकार से अच्छा इसका उपयोग हुआ, इसी के चलते उन्होंने इस किताब को लिखा है। तो रक्त मोक्षण यह अपने सिरा से रक्त को निकाल देना जिससे अशुद्ध रक्त शरीर के बाहर चला जाता है। यह रक्त यहाँ पर निकाल देने की यह प्रक्रिया होती है। उपचार के समय में हम लोग सिराओं में छेद देते हैं और रक्त को बाहर निकाल देते हैं। इसमें ज्यादातर अपेक्षित यह है कि शरीर में जो भी दोष दुष्ट हुए, क्योंकि देखिए दोष शरीर में कार्य करते हैं, गति करते हैं, वो रक्त के साथ करते हैं, क्योंकि रक्त या रस रक्त ही शरीर में हर जगह पर विक्षेपित होता रहता है, तो रस रक्त के साथ दोषों की गति भी होती है। यहाँ पर रक्त मोक्षण यानी जो दुष्ट रक्त है उसको बाहर निकाल देने से जो दोष है वो भी विस्तारित होते हैं, ये भी इसके पीछे की एक कार्य के कारण मीमांसा उन्होंने बता दी है। अशुद्ध रक्तों को बाहर निकालना ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इस उपचार को उन्होंने शोणित मोक्ष भी बताया है। शोणित यानी रक्त और इसको अस्त्र विस्त्रावन भी कहा जाता है। विस्त्राव यानी इसको बह देना। यहाँ पर उनके पास एक जो प्राध्यापक आए थे, संस्कृत के प्राध्यापक थे, तो इनको रक्त मोक्षण से काफी लाभ हुआ। और फिर उन्होंने जो ऐसे उनका एक सोचना था कि आयुर्वेद यानी केवल चूर्ण पट्टी कुटी इसका ही प्रयोग किया जाता है, बट जब रक्त मोक्षण से उन्होंने उनको इतना अच्छा फायदा हो गया तो इसीलिए उनको बहुत ही इसके प्रति एक आदर या श्रद्धा बढ़ गई आयुर्वेद के प्रति। और ये हमारा
जो एक हम उपक्रम अलग अलग उपक्रम हम लोग यहाँ पर करते हैं अलग अलग प्रकार से आयुर्वेद को लोगों के सामने अधिक प्रकर्षता से अधिक प्रखरता से प्रकट करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से इस अध्याय में उन्होंने रक्तमोक्षण के बारे में उद्धृत किया है, उन्होंने कुछ उनके अनुभव भी बताए हैं। यह क्रियावानहा सपंडितहा, जो केवल ग्रंथ पढ़ता है वो बात अलग है, बट इस ग्रंथ को पढ़कर सभी प्रकार के उपक्रमों को पढ़कर इसका प्रैक्टिकल उपयोग करता है, इसी को पंडित कहा जाता है, या आयुर्वेदीय परिभाषा में इसी को हम लोग वैद्य कहेंगे। आयुर्वेद के क्षेत्र में अनेक सारे आचार्य होते हैं, और किंतु हम लोग अब आचार्य तो बनते हैं, बट हमें शास्त्र में कही गई बातों को समझना है, इसको लोगों को बताना है, और इसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी हमारे पास होना जरूरी है। और इसीलिए चूर्म भस्म या मात्रा यानी सिर्फ आयुर्वेद ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल आयुर्वेद शास्त्र में परम औषधियों के साथ साथ रक्तमोक्षण जैसे कुछ उपचार भी बताए हैं। ये क्रियात्मक उपचार नष्ट होते जा रहे हैं, तो फिर औषध भी नष्ट होते जाएंगे। इसीलिए हम सभी घी हो, तेल हो, चूर्ण हो, भस्म हो, इसी के साथ साथ हमें इन सभी औषधियों के साथ साथ हमें कुछ धातु या फिर पारा, गंधक, ऐसे जो खनिज पदार्थ है इसका भी अशास्त्रीय उपयोग शुरू हो गया। और फिर यहाँ पर उनका ये कहना है कि इन सभी के उपयोग में संस्कार की बात आती नहीं है, तो संस्कार भी करना जरूरी है। आज की स्थिति में आयुर्वेद में बदलाव बहुत आया है। आज के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो लिखा है इसमें देखेंगे तो ऐसे बताया जाता है कि लोग या रुग्ण हमारे पास आते बोलते कि नहीं, मुझे वमन नहीं कराना है, मुझे विरेचन कराना है, मुझे बस्ती नहीं करनी है, मुझे आप ये कर दो। तो ये जो बातें है आज में, मतलब आज रुग्णों में इतनी जागरूकता आ गई कि रुग्ण खुद से बता देते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है। उनका ये मानना है कि वैद्य को एक हमें वैद्य को इतनी सहूलियत मिलनी चाहिए कि हम लोग खुद से जांच ले, परख ले और रुग्ण के लिए क्या अच्छा है। जैसे हमने भी देखा है कि हम लोग बताते हैं ना कि आईवी लगाना जरूरी है, तो बोलते हैं कि नहीं, मैं सवेरे आऊंगा, आईवी चढ़ा दूंगा, फिर शाम को आऊंगा, इंजेक्शन लेके जाऊंगा, लेकिन मैं घर जाऊंगा। तो इसमें जो एक अपेक्षित था कि अस्पताल में रहना या मानसिक शारीरिक विश्रांति अपेक्षित होती है सभी में, तो वो रुग्ण को समझता नहीं। रुग्ण क्या बोलता है, मैं आज आकर करता हूं। तो वमन लेने के पहले भी स्नेहपान लेना है तो बोलते कि नहीं, मुझे 3 दिन का ही दे दो, चल जाएगा मेरा ऑफिस। ठीक है, मतलब हम समझ सकते हैं कि आजकल समय की समस्या होती है, हम सभी अपने कार्य में व्यस्त होते हैं। इसी के साथ साथ आयुर्वेद के खास उपचार निदान शास्त्र, रक्तमोक्षण, बस्ती, विरेचन, वमन, नस्य, दूध, तूप, तेल, लंघन, इन सभी के साथ साथ इसका निदान भी हमें सीखना है। रक्तमोक्षण के लिए वो बताते हैं कि खास निदान को पढ़ना, निदान को समझना भी अपेक्षित है। एक रुग्ण उनके पास आया था जिसको अपेंडिसाइटिस की समस्या थी। जैसे हमें पता है कि अपेंडिसाइटिस की समस्या में अम्बिलिकल साइड में पेन होता है, फिर वोमिटिंग सेंसेशन या कुछ जी मचलाना, ऐसे भी लक्षण दिखते हैं, एकदम अस्वस्थता आती है रुग्ण में और भयंकर सा ही पेन होता है। तो इस उनके पास ये रुग्ण आया था जो एक अपेंडिसाइटिस के साथ ही आया था, तो उन्होंने उसका ब्लड टेस्ट वगैरह किया और फिर उन्होंने यहाँ पर सिरा से रक्त मोक्षण कराने का उसको एक बताया कि मैं ये कर सकता हूँ, तो करेंगे तो बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगेगा, आपके लक्षण जो है उसमें शमन होगा या उस लक्षणों में कमी आ जाएगी। और फिर सद्यो राग रुजा शमहा, और उस प्रकार से उन्होंने उस पेशेंट में भी सम्मति दी और फिर रक्त मोक्षण किया, तो तुरंत उसका पेन कम हो गया। तो अपेंडिसाइटिस के रुग्ण बढ़ गए, मेरे ख्याल से हमारे पास अपेंडिसाइटिस के बहुत सारे रुग्ण आते हैं, तो उनकी अवस्था को देखिए, सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी कुछ अवस्था हो यानी सूजन एकदम से कम हो और तुरंत हमें पेन कम करना हो तो सिरावेद हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर विद्रदी के लिए भी उन्होंने बताया है कि बहुत अच्छा ये इसका उपयोग होता है। एक स्त्री की कहानी वहां पर ये बताते हैं कि उसके ब्रेस्ट में, स्तन में उसका एक पेन होने लगा था, वो पेन को लेकर वो आई थी, उसको उन्होंने देखा अच्छे से, तो वो एब्सेस की केस थी और एब्सेस था उसको, वहां पे एंटीबायोटिक्स या पेन किलर दिया जाता है सामान्य तौर पर और फिर 2-3 दिन में देखा जाता है। बट उन्होंने इसको कन्विंस किया कि मैं रक्तमोक्षण करता हूं तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा,
और आयुर्वेदिक चिकित्सा से फिर वो रुग्ण भी तैयार हो गई इस प्रकार से, और उन्होंने यहाँ पर रक्तमोक्षण किया। देखिए एब्सेस की केस थी, ब्रेस्ट एब्सेस की, वहां पर उन्होंने रक्तमोक्षण किया तो तुरंत रुग्णों को अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसको ब्रेस्ट पेन था, एब्सेस था, तो हाथ उठाना नहीं आता था, कुछ भी करने नहीं आता था, पूरा जो रेफर्ड पेन होता था एक साइड में वो पूरा उसको था, तो उसको एकदम अच्छा लगने लगा, उसको हाथ हिलाना आने लगा या जो भी मतलब मूवमेंट्स होती थी वो मूवमेंट्स में भी काफी सुधार आ गया। इस प्रकार से उन्होंने कुछ केस के साथ रक्तमोक्षण के बारे में हर उनके चैप्टर में केसेस ज्यादा उन्होंने बताई है। रक्तगत दोष को कम करने के लिए बिल्कुल रक्तमोक्षण ही अच्छा एक उपचार उन्होंने माना है। आयुर्वेदी निदान की संगति से रक्तमोक्षण अच्छा होने के बाद पेशेंट में फिर थोड़ा अरुचि या फिर मुंह में पानी आना वगैरह ऐसे कुछ लक्षण होते हैं वहां पे थे। फिर उन्होंने थोड़ा सा उसको क्योंकि स्तन या ब्रेस्ट ये कफ से जुड़ा हुआ है, कफ या रस धातु से बनता है, कफ और रस धातु का आश्रय से संबंध होता है, और फिर आमाशय भी इससे जुड़ा है, इन तीनों धातु से भी और आमाशय, तो वहां पर फिर उन्होंने उसको थोड़ा सा लंघन करवाया और फिर वमन भी दे दिया, और फिर उसका जो एक प्रकार से मुंह में पानी आता था, जी मचलता था, उसको अच्छा लगने लगा। इस प्रकार से ये ब्रेस्ट विद्रधि की केस, स्तन विद्रधि की केस उन्होंने यहाँ पर बताई है, और वमन रक्तमोक्षण किया पहले उन्होंने जिससे अच्छा लगने लगा, पेन कम हो गया, बट बाकी जो कफदोष था क्योंकि कफदोष बड़ा था इसीलिए तो उसको थोड़ा जी मचलाना या अरुचि जैसे लक्षण थे, तो इसके लिए उन्होंने वमन दिया, तो वमन से कफ में छुटकारा मिल गया और रुग्ण को बहुत ही अच्छा लगने लगा। यहाँ पर रक्तमोक्षण का ही कुछ दूसरा प्रकार भी होता है, जैसे अस्त्र विस्तृति अलग अलग प्रकार से की जाती है, शुंग, अलाम्बू, घटिका, जलों का लगाना वगैरह, ये भी वहां पर उन्होंने मतलब बताया है। इसके साथ ही माधव निदान में भी बताया है, निदान स्थान में कि किस प्रकार से निदान करना चाहिए। आचार्य आयुर्वेदीय जो रोग परीक्षा बताई है, आचार्य चरक सुश्रुतियां सभी अष्टांग हृदय कारणे, तो वाग्भट ने भी अच्छे से रोग विनिश्चय या रोग निदान के बारे में बताया है कि रोग निदान, माधव निदान यह रोग विनिश्चय वाला ही ग्रंथ है, क्योंकि इसमें हम लोग निदान जब तक अच्छा नहीं हो पाता, हमारा निदान पक्का होना चाहिए तो ही हम लोग चिकित्सा के प्रकारों को देखेंगे। रक्तमोक्षण ये शुद्धि क्रिया बताई गई है वात पित्त कफ समझने के लिए, हम लोग दोषों के बारे में, जैसे हमने कई सारे सत्र हमारे क्लिनिकल फिजियोलॉजी के पहले सत्र 6-8 महीने हो गए इस सत्रों को तो हमने चलाए थे, जिसमें हमने दोष बेसिक कंसेप्ट को समझाया था, तो बिल्कुल रक्तमोक्षण यह नैसर्गिक प्रक्रिया है। जब जैसे कि शरीर या मन की अस्वस्थता, कुछ बेचैनी होती है, वेदनाएं होती है, इसी प्रकार से वहां पर हम लोग इस अस्वस्थता को, इस बेचैनी को कम करने के लिए हमारे शरीर के अंगों पर चीरा लगाकर निकालकर रक्त को बहा देते हैं। कितनी उनका ये मानना है कि कितनी नैसर्गिक क्रिया है ना, नैसर्गिक क्रिया है ये। एक यहाँ पे केस उन्होंने फिर से बताई ही, एक स्त्री जो अच्छी मतलब पढ़ी लिखी वाली थी और एक कॉलेज में वो अच्छी पोस्ट पर भी थी, बट उसका थोड़ा सा मानसिक उसको ये था, मन उसका बेचैन रहता था, तो उसको लगता था साइकोलॉजिकली कि कोई तो मुझे आ रहा है, और वो मतलब उसको साइकोलॉजिकली अच्छी नहीं थी, कुछ चिड़ ये करती थी, वो बेचैन होती थी, नाचने लगती थी, और खुद से बोलती थी कि कोई तो आए और मेरे मतलब शरीर पर कुछ रक्त निकाल दे या चीरा लगा दे और रक्त निकाल दे, ऐसे खुद से करती थी। तो ऐसे वो बोलती थी तो घर के जो लोग होते थे उनको बहुत ही आश्चर्य लगता था, कि उनको वो बताती थी कि अरे ये तो उसको कुछ मतलब पागल हो गई है क्या, ऐसे बोल रही है, इस प्रकार से उसके लिए बोला जाता था। लेकिन आचार्य का कहना है कि रक्तमोक्षण ये नैसर्गिक प्रकृति है, तो इसका मतलब वहां पर रक्त बाहर निकालने की जरूरत थी, इसीलिए उस स्त्री को लगता था कि मेरे शरीर से कोई रक्त को निकाल दे। तो बिल्कुल उनका ये कहना है कि निसर्ग का ये संकेत होता है, इस प्रकार से रक्त निकल जाने को हमारे शरीर से मन करता है या उसको ऐसी इच्छा होती थी। रक्तमोक्षण के लिए योग्य काल आयुर्वेद में शरद ऋतु बताया है, शरद में पित्त प्रकोप का काल होता है,
और फिर रक्त भी कुपित होता है क्योंकि पित्त और रक्त का आश्रय से संबंध होता है, इसीलिए रक्तमोक्षण के लिए अच्छा काल तो वैसे शरद ऋतु ही बताया है। आधुनिक शास्त्र भी रक्तमोक्षण के प्रति बहुत ही पॉजिटिव है। जितना रक्त निकाल देते हैं हम लोग उतना रक्त हमारे 3 दिन में 48 आवर्स में भरकर आता है, ऐसे उन्होंने बताया है। आधुनिक शास्त्र में रक्त मोक्षण को लेकर जैसे हमें पता है कि आज भी ब्लड डोनेशन को लेकर एक जागरूकता निर्माण करने की आवश्यकता होती है। कई बार अभी फिलहाल एक नोटिफिकेशन आया है कि एक ब्लड डोनेशन कैंप है, तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की जरूरत आज भी हमें पड़ती है क्योंकि ब्लड डोनेशन को लेकर समाज में थोड़ा सा अनास्था है, उसको समझाने की जरूरत पड़ती है। पेशेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, सभी लोगों को हम पुश करते हैं कि डोनेट कीजिए, डोनेट कीजिए, रक्त की कमी है। बिल्कुल इस प्रकार से उन्होंने रक्त निकालने के लिए आधुनिक वैद्य शास्त्र रक्त से उसकी दृढ़ता, उसकी चिकट या स्टिकीनेस, रक्त में जैसे हमने देखा कि रक्त के विस्तृतता, द्रवता, राग, स्पंदनम, लघुता, यथाक रक्त के 5 भौतिक गुण बताए हैं। तो रक्त को हम निकाल देते हैं तो इसको विस्कोसिटी कम होती है और विस्कोसिटी कम होने से हृदय विकार से भी उसको बचाव मिलता है। इसीलिए रक्त डोनेट करना चाहिए, रक्त को निकालना चाहिए ताकि इसकी विस्कोसिटी कम होती है, इसके गुणधर्म में बदलाव होता है जो हृदय विकार जैसे कुछ विकारों से भी हमें बचाता है। यकृत का तान कम होता है और यकृत का तान कम होता है तो हृदय का भी तान कम होता है। इसीलिए वेन सेक्शन ये ट्रीटमेंट आधुनिक वैद्य शास्त्र में भी पहले की जाती थी। यकृत के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि लड़ाई के समय में भारत में या हमारे देश में जब लड़ाई होती थी तो लड़ाई के समय में रक्तदान की बहुत आवश्यकता होती थी क्योंकि जो हमारे ये थे सैनिक थे वो काफी घायल हो जाते थे तो इनके लिए खून की कमी हो जाती थी, तो रक्तदान से ही उस खून की कमी को निकालने के लिए रक्तदान करना बहुत जरूरी हो पाता था। उस दिनों में रक्तदान की, लड़ाई के वक्त में रक्तदान की बहुत ही आवश्यकता हो जाती थी। रक्त शरीर से निकालने से शरीर के एंटीहिस्टामिनिक लिबरेट होते हैं, ऐसे भी कुछ संशोधन में पता चला है। इसीलिए भी हिस्टामिन्स जो एलर्जी निर्माण करते हैं और एलर्जी को विरोध करने के लिए एंटीहिस्टामिन निर्माण होना जरूरी है जो रक्त मोक्षण से होता है, ये कार्य होता है। इस प्रकार से उन्होंने मॉडर्न के व्यू में भी रक्तमोक्षण का कंसेप्ट बताया है। एलर्जी में ज्यादातर कफ और पित्त उत्क्लेशित होता है, इस प्रकार से रक्तमोक्षण कराने से, रक्त को निकाल देने से एलर्जी में भी कमी आती है। हमने देखा है कि कई बार कुछ खान पान से या ठंडी हवा से, कुछ विशिष्ट रूप के कॉस्मेटिक्स हो, तेल हो, शैम्पू हो, कुछ चीजें होती है जिससे पित्त निकल कर आता है, फोड़े आते हैं, जिसको आयुर्वेदिक परिभाषा में हम लोग शीत पित्त कहते हैं या अर्ट्रिकेरिया कहा जाता है। तो पित्त यह एक ऐसा दोष है जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, पित्त सेंसिटिव होता है, तो इसीलिए भी हमें एलर्जी से बचने के लिए भी रक्तमोक्षण जैसे कुछ उपचार करने की आवश्यकता है, इसीलिए उन्होंने ये बताया है। रक्त निकालने से रक्त बढ़ता है, ये भी इसका एक फायदा होता है। रक्तमोक्षण ये एकदम प्रभावी चिकित्सा है, फिर भी ये थोड़ा पीछे रह गए, ऐसे आचार्य गोपले जी बताते हैं। क्षार सूत्र जलों का लाने या फिर उसको ये करना, उनका कहना है कि अभी भी समुद्र किनारे पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद से रक्तमोक्षण निकाल कर लेते हैं क्योंकि उनको उसकी महत्ता पता है या रक्तमोक्षण से अच्छा लगता है, इसीलिए कुछ अभी भी चल रहा है। रक्त यह जीवन का कार्य करता है, रक्त हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्त का परीक्षण करने के लिए, संशोधन करने के लिए माइक्रोस्कोप वगैरह का उपयोग किया जाता है। महारोग जैसे कुछ व्याधियों में, जिसको आयुर्वेद में कुष्ठ कहा जाता है, इसमें भी शरीर शुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई गई है। रक्तमोक्षण यह उपचार वैद्य के अपने हाथ में है, इसके लिए उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप से रक्तमोक्षण कर सकता है। थोड़ा सा बस उसको प्रैक्टिस हो, उसके पास कुछ साधन सामग्री हो तो रक्तमोक्षण करने में बहुत ही सुविधा होगी।
रक्तमोक्षण के विधि के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं उसको आधुनिक शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में उसको जोड़कर हम लोग अच्छे से कम कर सकते हैं, यानी मॉडिफिकेशन की कर उसके जो इंस्ट्रूमेंट आजकल बाजार में मार्केट में अवेलेबल है उसका भी यूज किया जाता है। शस्त्र कर्म जैसे कुछ अवस्था, अगर जैसे पेशेंट्स को बोला है कि आपको सर्जरी करने की जरूरत है तो सर्जरी भी टाली जा सकती है अगर हम उस व्यक्ति में रक्तमोक्षण करते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कुछ हमारे शरीर के ऐसे हिस्से होते हैं, ऐसे अंग अवयव होते हैं जहां पर शस्त्रक्रिया करना भी बहुत ही मुश्किल बन जाता है कि हेक्टिक होता है शस्त्रक्रिया करना ही, वहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में न्यूरोफेरेंजियल फाइब्रोमा में उन्होंने रक्तमोक्षण किया तो उनका ये कहना है कि जहां पर हम लोग ऐसी जगह शरीर की है नाजुक है या जहां पर हम लोग शस्त्रक्रिया नहीं कर पाते हैं वहां पर अगर हम करेंगे रक्तमोक्षण तो शस्त्र कर्मों को टाला जा सकता है। रक्तमोक्षण यह मुख्यतः शाखा शोधन की क्रिया है, इसमें विकास कर शाखाओं का शोधन होता है क्योंकि शाखाओं में रक्त बहता है। रक्तमोक्षण के लिए प्राचीन समय में शस्त्र का उपयोग किया जाता था और इस शस्त्र से सिरा के ऊपर वेध किया जाता था। अभी आजकल शस्त्र के बजाय सुइयों का वापर किया जाता है, सुई या नीडल का इस्तेमाल आजकल किया जाता है, अभी जलोका का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि जलोका चरण ये भी काफी फायदेमंद होता है। जिस अवस्था में सिरावेद नहीं किया जा सकता ऐसी अवस्था में जलोका उच्चारण का उपयोग किया जा सकता है। थोड़ी यहाँ पर इस अध्याय में उन्होंने जलोका के बारे में भी बताया है। जलोका यह पानी के इसमें जैसे समुन्द्र के इसमें मिल जाती है, ये दिव्य प्राणी बताया है क्योंकि ये भी जलोका जैसे रक्त से हमारे शरीर से अशुद्ध रक्तों को निकाल देती है। जलोका जब हमारे रक्त का शोषण करती है तो उससे किरुड़ी नाम का पदार्थ स्रवता है जहां पर अशक्य होता है वहां पर हम लोग जलोका का उपयोग कर निकाल सकते हैं। रक्त यह मधुर और लवण रस का होता है और थोड़ा सा किंचित प्रमाण में उसमें लवण रस भी होता है। आयुर्वेद के हिसाब से रक्त की दृष्टि ज्यादातर पित्त और कफ के पदार्थों से होती है, कफ और पित्त की दृष्टि से होती है। रक्त मोक्षण के लिए योग्य व्यक्ति योग्य विकार, अयोग्य व्यक्ति अयोग्य काल, खान पान उसका, फिर जैसे कि ऋतुओं की स्थिति ये भी देखने जरूरी होती है। एक केस बताई उन्होंने कि उर्ध्वक रक्तपित्त का एक केस आया था उनके पास जिससे उसको नासा से बहुत ही अधिक मात्रा में खून बहता था। उन्होंने बहुत ज्यादा उपचार भी किए इसके लिए पर उसको मतलब कुछ उपचार उपशम नहीं मिला। फिर उन्होंने यहाँ पर इस केस में उसको रक्तमोक्षण कराया। उसी समय से जब रक्तमोक्षण किया उसी समय से जो खून बहता था नासा से वो खून बहना थम गया, बंद हो गया। और देखिए कितना मतलब पुराना केस था जिसमें उन्होंने बार बार उपचार किए फिर भी नहीं थमता था खून, तो केवल रक्तमोक्षण से जो नासा से खून बहता है वो कम हो गया। सिर्फ वो आचार्य बार बार बताते हैं कि रक्तमोक्षण के लिए बस एक ही कठिनाई वो है रुग्ण में अंधश्रद्धा कि रक्तमोक्षण से मेरा रक्त निकल जाएगा और फिर मुझे थकान आ जाएगी या फिर मैं मेरा रक्त कहाँ गया, अभी मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जीऊंगा, या रक्तमोक्षण करने से मेरा नुकसान हो जाएगा। तो बस यही एक अड़चन बताई है उन्होंने। अगर हमने पेशेंट को अच्छे से कन्विंस कर लिया तो रक्तमोक्षण से
बहुत ही मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिल पाते हैं, उसका जो फर्क पड़ता है पेन किलर या जो भी फर्क पड़ता है बहुत ही अच्छा फर्क पड़ता है। रक्त क्षय में सिरा शैथिल्य लक्षण बताया है, इसमें अयोग्यता बताई है, इसमें हमें रक्तमोक्षण नहीं करना है। एक दिन मध्य रात्रि में एक रुग्ण उनके पास आया, उसको अन्न निगीलन करने में कष्ट होता था, मतलब अन्न को वो ये नहीं कर पाता था, निगल नहीं पाता था, उसको बोलने में भी कठिनाई होती थी। उसको उन्होंने अच्छे से एग्जामिनेशन किया और वहां पे निदान किया, विसर्प व्याधि का निदान वहां पर उन्होंने किया, विसर्प का निदान किया और फिर गल मार्ग से गल शिरा से वेद किया और तत्काल चमत्कार हो गया। जैसे पेशेंट को अन्न चबाने आने लगा, अन्न को गिलने आने लगा, वो बोलने भी लगा। एक शिरशूल की रुग्णवीत थी तो उन्होंने भी गल मार्ग से ही सिरावेद किया तो भी उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। तो देखिए कितने अलग अलग प्रकार के केसेस उस समय में उनके पास आया करते थे और इसीलिए फिर उन्होंने जाकर आगे रक्तमोक्षण अस्त विस्तृति पर ही जाकर अच्छा काम किया। बट उनका कहना है कि रक्तमोक्षण पर अभी भी बहुत ज्यादा संशोधन की आवश्यकता है। रक्तमोक्षण के समय प्रथम अशुद्ध रक्त बाहर निकल जाता है, केवल वेन से ही रक्त स्रावन की क्रिया बाहर निकलती है और अशुद्ध रक्त बाहर चला जाता है। इसका मतलब वो कहते हैं कि जो देखिए रक्त बाहर क्यों आता है, अशुद्ध रक्त क्यों बाहर आता है, जो शरीर की प्रवृत्ति होती है कि जो शरीर के उपयोग का नहीं है उसको शरीर रखता नहीं, उसको निकाल देता है। इसी प्रकार से ये दुष्ट रक्त शरीर के बाहर आना शुरू हो जाता है। रक्तमोक्षण प्रकृति प्रमाण प्रकृति के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी करना है। पित्त प्रकृति के व्यक्ति को रक्तमोक्षण से लाभ होगा, खासकर अभी हम लोग प्रकृति पढ़ते हैं रोज। शैलेश भाई आप आए नहीं, फिर से एक दो दिन ही आए शायद, बाद में आना नहीं हुआ आपका। तो रक्तमोक्षण ये पित्त के रक्त और पित्त काशय के संबंध है, तो रक्तमोक्षण पित्त प्रकृति के हिसाब से करना है और पित्त प्रकृति के लिए ज्यादा फायदा होगा क्योंकि रक्तमोक्षण से पित्त विकार रक्त विकार में बहुत ही अच्छा प्रतिबंध मिलता है। और शरद ऋतु में इसको करेंगे तो वात पित्त और रक्त का भी मतलब शमन होगा। कोष्ठ में अगर पित्त दुष्टि होती है, जैसे देखिए व्याधि के हमने तीन प्रकार किए हैं, शाखागत, मध्य मार्गगत और कोष्ठगत। तो कोष्ठगत अगर पित्त का दुष्ट होता है तो वहां पर विरेचन करेंगे, बट अगर शाखाओं में अगर पित्त दुष्ट है, जैसे हमने कुछ कंडीशंस देखी थी ना, जैसे शीत पित्त है, कुछ त्वचा के विकार है, तो वहां पर रक्तमोक्षण ही बेस्ट रहेगा। स्त्रियों में भी उसके एज के पित्त काल में रक्तमोक्षण बहुत ही अच्छा ये है। मासिक धर्म के लिए, मासिक धर्म की कई सारी विकृतियों में बहुत ही अच्छा एक सुंदर रिजल्ट इसमें आता है। अभी एक केस वो बताते हैं, मुझे लगता है कि हमारे पास भी काफी केसेस आते हैं मेनोपॉज की। जैसे मेनोपॉज की एज में स्त्रियों में एक प्रकार सा बदलाव आता है, एक अनइजीनेस या कुछ मेंटली भी इरिटेबिलिटी होती है, कुछ मूड स्विंग होता है, बेचैनी होती है, कुछ अकेलापन महसूस होता है, फिर कुछ निद्रा नाश होता है, नींद अच्छे से नहीं आती है, भूख अच्छी नहीं आती, बहुत ज्यादा घाम आने लगता है, तो ऐसे कुछ लक्षण होते हैं, सिर दुखता है कभी। तो इसके साथ साथ कभी उसको रक्तदाब की भी शिकायत हो सकती है, तो बिल्कुल ये सभी तो हमें चेक करना ही है। तो इतना मतलब वो कभी कभी इरिटेट होती है, जैसे आप देखिए कि महिलाएं इस समय में बहुत ज्यादा इरिटेट होती है, उसको बहुत ही कुछ हम लोग प्रेडिक्टेबल नहीं होते, अनप्रेडिक्टेबल उसका रिएक्शन होता है। कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्से में आती है, कभी कभी एकदम से प्यार में, कभी कभी अचानक चिढ़ जाती है। तो ये सारा जो है हार्मोन्स का खेल है, हार्मोन्स के उतरते ये सारा बदलाव स्त्रियों के शरीर में और उसके मानसिक अवस्था पर आता है। तो ऐसी कंडीशन में एक रुग्ण उसके पास आई थी, तो वहां पर उन्होंने रक्तमोक्षण किया और
उनको अच्छे से रक्तमोक्षण करने के बाद तुरंत उनको अच्छे से रात भर नींद आई और एकदम उसको अच्छा लगने लगा। तो इसीलिए इस काल में हम लोग रक्तपित्त का आश्रय संबंध देखकर स्त्रियों के इस मेनोपॉजल एज में भी रक्त मोक्षण का बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। हृदय रोग ब्रह्म इसमें भी रक्त मोक्षण से बहुत ही अच्छा लाभ होता है। यहाँ पे एक केस उन्होंने बताई थी, उनके पास कोई रुग्ण आई थी, वो बोलती थी कि मुझे कुछ घबराए जैसे घबराहट होती है। बस उन्होंने उसको चेक किया तो उनको ध्यान में आया कि ये घबराहट जो है ये संतर्पणोक्त विकार से, अधिक मात्रा में संतर्पण होने से ये घबराहट उसको हो रही है। और फिर उन्होंने इसको रक्त मोक्षण दिया तो बिल्कुल उसको बहुत ही आराम आने लगा। मद्यपि हाँ, ये भी एक हमारे सोसाइटी की बड़ी समस्या है, मद्यपान या धूम्रपान जैसे कुछ आदतें होती है। इन आदतों में जो भी क्षोभकारक वस्तुओं का, द्रव्यों का सेवन व्यक्ति करते हैं, इससे वो उनका मेंटल लेवल कुछ अलग हो जाता है, कुछ फिजियोलॉजिकल बदल, शारीरिक क्रियात्मक बदल, चयापचय जन्य बदल भी उसके शरीर में होते हैं। तो वहां पर रक्तमोक्षण भी अच्छा है, उसमें रक्तपित्त का उद्रेक कम होगा। और यकृत, देखिए हाँ यहाँ पर बात है यकृत की, क्योंकि लीवर इज द लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ग्लैंड। तो जो भी मद्यपान है, जो भी धूम्रपान है, इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है यकृत पर। तो यहाँ पर रक्त का मूल स्थान भी यकृत बताया है, इसीलिए भी अगर हम लोग रक्तमोक्षण का प्रयोग करते हैं तो यकृत की क्रिया में सुधार आती है। और यकृत की क्रिया में सुधार आएगी तो सभी पाचक रसों का स्त्राव अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, पचन अच्छा होगा, तो बहुत ही मतलब सारी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में सुधार आ जाएगा। अगर कोई लीवर जिसका खराब है, हाँ बताइए, सिरोसिस जैसा ऐसा कुछ है, तो उसको तो मोक्षण नहीं कर सकेंगे ना? आवाज नहीं आ रही, आवाज हाँ बताइए। सिरोसिस जैसा अगर कोई केस है, हाँ, तो उसमें रक्त मोक्षण कर सकेंगे? कर सकते हैं, कर सकते हैं। एज वगैरह क्या है पेशेंट की? शायद 55 कर सकते, सिरोसिस में कर सकते हैं। और एनीमिया भी अगर उसके अंदर दिख रहा है तो? उसके अंदर एनीमिया है, हाँ, यानी वो सिम्टम ऐसे जैसे कि, मुझे थोड़े डिटेल्स बता दीजिए, और थोड़े से डिटेल्स बता दीजिए ताकि मतलब पूरा अच्छे से समझ। हाँ, अभी वो पेशेंट तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ध्यान में रखने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा कैसे एक्चुअली ये इंडिकेशंस तो हमने मतलब पढ़े भी है, इंडिकेशंस को हमने समझा भी है, बट एकंदर रूम की अवस्था, पोजीशन, क्योंकि कई बार क्रॉनिक स्थितियों में भी या कुछ एक्यूट कंडीशंस में भी इसका इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं, बट उस समय की पेशेंट्स की स्थिति, उसका एज, वो सभी भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ऐसे कर तो सकते हैं, इसमें कुछ दुविधा नहीं है, दुमत नहीं है, कर सकते हैं निश्चित रूप से। और जो स्टार्टिंग में अपेंडिक्स का एक बताया, एब्सेस और अपेंडिक्स का, तो मोक्षण कोई पर्टिकुलर जगह से करना है या? हाँ, इसके स्थान बताए थे ना, एक बार फिर से मैं रिवाइज करती हूँ, अभी इतना ही याद है। इसके स्थान बताए ना, मतलब कहाँ पे है, शीर्षूल है तो यहाँ से करना है, ये पोजीशन से करना है, कौन से साइड पे दर्द है तो कहाँ पे करना है, इसके इंडिकेशंस है। अपेंडिसाइटिस का इंडिकेशन है, इसके बाजू के सिरा से करना होगा। पहले सत्र में मैंने इसके जो इंडिकेशन है ना, कहाँ पे करना है, वो बताए थे। अगर आपको फिर से एक बार बताने है तो मैं बता दूंगी फिर, ठीक है, एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं जी। अच्छा सवाल पूछा आपने। और दूसरी भी एक केस बताती हूँ मैं, और कुछ केसेस, ताकि हमारा थोड़ा और भी डिस्कशन हो सके। यहाँ पे उन्होंने
हाँ अभी एक केस बताई थी उन्होंने और एक दूसरी केस बताती है मेनोपॉज की। तो वो मतलब उसके कुछ डॉक्टर्स वगैरह थे उसके परिवार वाले, तो उन्होंने इसको रजोनिवृत्ति के समय में कुछ हार्मोन्स भी दिए, लाइक जैसे मैंने बताया ना बेचैनी है, अस्वस्थता होती है, चिड़चिड़ापन है, नींद नहीं आती वगैरह, नैराश्य होता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उसको हार्मोन्स दिए उस रुग्ण को, तो उसकी प्रकृति और बिगड़ गई, अधिक बेचैनी उसको लगने लगी, बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई थी इस प्रकार से। और फिर उन्होंने मतलब उसको उनके परिवार वालों को ना बिता पिता बताने से ही लाकर रुग्ण को कन्विंस किया उनकी पत्नी ने, और चुपचाप से रक्तमोक्षण किया क्योंकि उनको उसके ऊपर विश्वास नहीं था, तो चुपचाप से किया और एकदम जादू के जैसे उनको लगने लगा और पेशेंट एकदम से प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने उसको थोड़ा थोड़ा सा ग्लूकोज वगैरह दे दिया एकदम से, बाद में घबराहट ना हो इसीलिए। और फिर एकदम मतलब बिल्कुल अच्छा इसको परिणाम मिला। कोई भी शोधन क्रिया के लिए धातु से दोष को निकालना जरूरी होता है। सिर्फ रक्तमोक्षण के पहले सिरा उभर कर आनी चाहिए, सिरा उभर कर आनी चाहिए, सिरा पूरी प्रोमिनेंट होनी चाहिए, वेन जो है ना वेन सेलेक्टर वो प्रोमिनेंट हो। रक्तमोक्षण करने के लिए खाना खाने के बाद थोड़े बाद में करना है। अगर इमरजेंसी कंडीशन होती है तो उसमें कुछ खाने खाने का खान पान का कुछ नियम नहीं है। कुछ कभी कभी तो मतलब स्नेहपान वगैरह की भी स्थिति का भी सोचना नहीं पड़ता है उसको। कुछ रुग्णों को सिर पर पट्टी बांधकर थोड़ा सा इसमें धूप में बिठा देते हैं तो श्वेत स्राव अच्छा होता है, तो अच्छा रक्तमोक्षण होता है। रक्तदाब भी हमें देखना पड़ेगा, रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर भी कितना है उसको भी देखना पड़ेगा। अगर ज्यादा मतलब ज्यादा स्थूल रुग्ण है या सिरा उसकी अच्छे से नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा जैसे हम लोग ये लगाते हैं ना पट्टा लगाते हैं कपड़ा, टोर्निकेट बांधते हैं ना ऊपर ऐसे प्रोमिनेंसी आने के लिए, तो पट्टा बांध देंगे तो प्रोमिनेंसी आ जाएगी। एक केस है, वो केस की बताती हूँ मैं। एक स्त्री प्रेग्नेंट थी, उसको मतलब ये था कि उसको हमेशा गर्भपात की कुछ समस्या थी, अबॉर्शन होता था। उसको कुछ आर्सेनिक पॉइजनिंग वगैरह हो गया था, तो इसीलिए फिर गर्भपात का धोखा था, तो उन्होंने फिर उसको महातिक्त कृत से पान कराकर रक्तमोक्षण किया और फिर आर्सेनिक का ट्रीटमेंट भी देना ठीक नहीं था, बट रक्तमोक्षण से उसको तुरंत इलाज मतलब हो गया, ये पॉइजनिंग भी कम हो गया और ये अभी भी जिंदा है और अच्छी है। बट कभी कभी वेन नहीं मिलती है, बट हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर वो बता उस समय का बताते, 15-16 नंबर क्रमांक की सुई का प्रयोग करना होगा। रक्तमोक्षण कितना करना है, कितने जलों का लगाना है, इसे इसे इसके बारे में कुछ निश्चित कुछ उनका ये नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि जलों का भी जो है केवल अशुद्ध रक्त का ही शोषण करती है। रक्तस्राव होने के पश्चात कितने समय में रुकना है वो भी कुछ बताया नहीं है खास शास्त्र मतलब कुछ हमारे शास्त्रों में। कभी कभी रक्तस्राव रुकता नहीं तो हमें रुकाना पड़ता है, जैसे हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि कौन से द्रव्यों का उपयोग करना है। एकदम बच्चों में या वृद्धावस्था में रक्तमोक्षण को नहीं करना है, बट वहां पर हम लोग जलों का को लगा सकते हैं।
बच्चों में भी या वृद्धों में भी कुछ उसके इंडिकेशन से उसको देखकर प्रकृति के व्यक्ति को हमेशा मतलब स्वास्थ्य रक्षण के लिए भी अगर वो वेन पंक्चर से थोड़ा रक्त मोक्षण करा देते हैं ना तो भी अच्छा रहता है उनका, उनको फिर साल भर पित्त के विकार नहीं होते जैसे वमन कराते हैं। उसी प्रकार से ऊर्ध्वज रक्तगत विकारों में भी जैसे शिरो रोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग, नासा, गल, मुख, दंत, इनमें भी रक्त मोक्षण का बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। रक्त मोक्षण के पश्चात खान पान थोड़ा समय न ले तो अच्छा होगा, मतलब अच्छे से भूख लगने तक ना खाए तो अच्छा है। थोड़ा पेय ले सकते हैं, ग्लूकोज वगैरह ले सकते हैं, थोड़ा वीकनेस आता है तो। कभी कभी पेशेंट के साथ जो आते हैं ना उनको भी मूर्छा आ जाती है रक्त को देखकर, पेशेंट को भी कभी कभी मूर्छा आती है तो हमारे पास ग्लूकोज या कुछ ऐसे तो रहने ही चाहिए। उसको हम सिंपल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बीपी देखिए, उसको ग्लूकोज का पानी पिलाइए, शरबत पिलाइए, कुछ फलों का रस पिलाइए तो अच्छा होता है। रक्त मोक्षण के जगह पर कभी भी पस फॉर्मेशन वगैरह नहीं होता, उल्टा इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इतना उन्होंने बताया है। विकार पुनरुद्भव नहीं होता है। बहुत सारे वैद्यों में हमें कितने मतलब पूरी जिंदगी पथ्यापथ्य करना पड़ता है, बट रक्त मोक्षण एक ऐसा है कि जो किया उसके बाद हमें पथ्यापथ्य की जरूरत नहीं पड़ती है। अत्यंत गुणकारी ऐसे है ये। उनका कहना है कि रक्त मोक्षण का जो परिणाम है उसको मेजरेबल एंड कंपेरेबल ऐसे प्रकार से उसको और अच्छे से इस पे संशोधन होने की जरूरत है। यह अत्यंत ही सुलभ और सरल तरीका है रक्त मोक्षण का। एक वकील की केस बताई उन्होंने कि एक लॉयर थे जिनको गले के इसमें सूजन थी, काफी सारे एंटीबायोटिक्स वगैरह उन्होंने लिए थे बट वेदना बहुत थी उनको, तो उन्होंने वो बोल भी नहीं पाते थे तो यहाँ पर उन्होंने रक्त मोक्षण कराया तो बहुत ही अच्छे परिणाम उनको मिले। बिल्कुल इस प्रकार से इस पूरे अध्याय में चौथे अध्याय में पूरे अध्याय में उन्होंने रक्त मोक्षण की महत्ति को वर्णन किया है। और रक्त मोक्षण इतना सरल सुलभ तरीका है किंतु फिर भी दुर्लक्षित है, काफी उसके बारे में अंधश्रद्धा है, लोगों के मन में डर है, इसको यहाँ पर इस अध्याय में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो डॉक्टर गौतम सर आपकी कुछ केस है या कुछ है या फिर आज के लिए रुके हम लोग यहाँ पर? अगला जो अध्याय है उन्होंने अग्रे स्रवती दुष्टास्त्र इस प्रकार से अगला अध्याय है। पूरा ये जो ग्रंथ है, पूरी ये जो किताब है रक्त मोक्षण के ही आधारित है और छोटी छोटी बातें या अनुभव उन्होंने यहाँ पर शेयर किए हैं जिससे हमें एक दिशा मिलती है और हम लोग इस दिशा से या इस प्रकार की आगे चलकर ऐसे कुछ जो भी कर्म हमारे पास जो रुग्ण आते हैं या कुछ इमरजेंसी आती है पेन को लेकर वगैरह तो इसमें हम लोग सिंपल सिरावेद करेंगे तो मुझे लगता है सिरावेद या फिर अग्निकर्म, शार कर्म, ऐसे छोटी छोटी जो भी हमारे ये सारे उपचार है, क्योंकि हर बार पंचकर्म करना संभव नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में केवल थोड़ा सा हमने कर दिया तो बहुत ही बड़ा काम होता है। इसीलिए ऐसे कुछ उपचार कर्मों को हमें समाज या हमारे वैद्यों के हमारे स्टूडेंट्स के मन में एक ये पैदा करने की भी जरूरत है बिल्कुल, और इसीलिए हमने इसको एक उपक्रम के रूप में लिया है निश्चित रूप से। तो आज के लिए फिर हम लोग रुकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, सारे वैद्य इसको देख रहे हैं, इन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर कैलाश सर, डॉक्टर सुनील कुमार सर, सभी जो भी हमारे वैद्य है डेली हमारे साथ जुड़ते हैं और आप सभी के जुड़ने से हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ जाता है। सो कल फिर हमारा गायनिक का सेशन होगा।
जयदेव सिंह जी, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, डॉक्टर महेंद्र सर, जो भी सारे वैद्य इसको देख रहे हैं। सो अस्त्र विस्तृति अर्ध चिकित्सा आचार्य गोप्टे जी ने रक्तमोक्षण को आधी चिकित्सा बताई है। जैसे आयुर्वेद में बस्ती का महत्व है, बस्ती को अर्ध चिकित्सा पूरी चिकित्सा माना है, इतना ही महत्व उन्होंने रक्त मोक्षण को दिया है। क्योंकि रक्त ये एक ऐसा घटक है, रक्त से, रक्तस्राव से, रक्त शरीर के बाहर जाने से दोष भी शरीर के बाहर चले जाते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो इस प्रकार से आज के लिए रुकते हैं, फिर अगले सत्र में हम लोग अगले अध्यायों को विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार सभी को जी। कैंसर का पेशेंट अगर हो तो रक्त मोक्षण कर सकते इसके बारे में मैं थोड़ा ये करके बताऊंगी, क्योंकि कैंसर के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ अनुभव है क्या इसमें देखती हूँ, क्योंकि अभी तो कैंसर तो ये 20 सालों में बढ़ा है, उस जमाने में तो कैंसर ज्यादा हुआ नहीं करता था। तो मैं कुछ इस अगले सत्र में मैं इसके ऊपर थोड़ा अभ्यास कर बताती हूँ, ठीक है? शायद हो सकता है, होता है, बिल्कुल नहीं होता ऐसे तो नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता होता है, बट अवस्था के ऊपर। क्योंकि कैंसर में एक्चुअली देखा जाए तो बाकी जो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी हो तो करना पड़ता है, बाद में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दी जाती है। कुछ प्रकार के जो कैंसर्स है उसमें आयुर्वेदिक पूरा चल सकता है, एक मेरा अनुभव के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। फिर भी कुछ स्पेसिफिक अगर बताना है तो मैं थोड़ा सा इसका अभ्यास कर ही बताऊंगी, बताना उचित रहेगा, क्योंकि कैंसर इतना बड़ा मतलब सीरियस व्याधि है कि हम कुछ भी बोल दें तो कुछ ये ना हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा इसके बारे में जानकारी कर ही बता कर सकते हैं, इतना मुझे पता है। कुछ कंडीशन में, कुछ अवस्था में कर सकते हैं निश्चित रूप से, नहीं कर सकते ऐसा तो कुछ नहीं है, इंडिकेशन कर सकते हैं। और जो ब्लड डोनेट करते हैं तो इसीलिए तो एक्चुअली ब्लड डोनेट करना अच्छा क्यों बताया है, वो भी इससे भी बोला है ना कि शुद्धि होती है, इससे भी बोला है कि खून बढ़ता है, तो वही तो इसमें इस अध्याय में वही उन्होंने बताया कि रक्त निकल जाता है तो हमारा एलर्जी की प्रति प्रतिकार क्षमता बढ़ती है, हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन रिलीज होने में मदद मिलती है, इसीलिए तो ब्लड डोनेशन करना है। एक्चुअली कभी कभी बार इससे वेन पंक्चर, बस 20 ml 15 ml रक्त निकाल देने से भी पेन कम हो जाता है, वो भी तो एक रक्त मोक्षण का ही प्रकार हो गया ना, रक्तदान करना भी, बट वो हम लोग स्वस्थावस्था में करते हैं। इसीलिए कई कई लोग तो 100 बार डोनेट करते हैं, हर बर्थडे पर डोनेशन करते हैं, क्यों करते हैं, अच्छा होता है इसीलिए करते हैं। तो आज के लिए रुकते हैं, फिर नमस्कार, आभार सभी का।